गुड मॉर्निंग एवरी वन। हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के जो सिंबल है वो उसमें हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। चेक वाल, सटल वाल और रैपिड एग्जॉस्ट वाल क्या है वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था। चलिए आगे बढ़ते, आज डिस्कस करने वाले हैं सिंबल के अंदर प्रेशर कंट्रोल वाल। ओके, तो आपको क्या करना है, हर बार की तरह क्लास नोट में लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन, राइट साइड पे इसका सिंबल ड्रॉ करना है। तो पहला है प्रेशर रिलीफ वाल। अब देखिए, जितने भी प्रेशर रिलीफ वाल होंगे वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाए होंगे। जैसे ही सिस्टम में प्री डिटरमाइंड लिमिट से ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो सेफ्टी वाल ओपन हो जाएगा और सारे हाइड्रोलिक फ्लूड को या फिर जो भी प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूड सिस्टम में है या फिर जो न्यूमेटिक एयर है, कंप्रेस एयर, उसको सीधा बाईपास करके रिजर्वायर में ले जाएगा और सिस्टम को सेव कर देगा। तो पहला है लाइन प्रेशर इज़ लिमिटेड टू द सेटिंग ऑफ द वाल, सेकेंडरी पार्ट इज डायरेक्टेड टू टैंक। प्रेशर रिलीफ वाल जो होगा जिसके अंदर लाइन प्रेशर लिमिटेड होगा उसको सेट करने के लिए वाल दिया होगा, वाल दिया गया होगा और सेकेंडरी पार्ट इज डायरेक्टेड टू टैंक। जैसे ठीक है, एक पॉट होगा वो सीधा क्या करेगा, सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा। दूसरा जो पॉट होगा वो सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, टैंक के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल के अंदर प्रेशर रिलीफ वाल है, ये रहा नीचे टैंक दिया गया है और यहाँ से डॉटेड लाइन से वो ऊपर कनेक्ट हो रहा है। क्लियर, नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर रिलीफ वाल ऑफ रहते हैं, सिस्टम काम करती रहती है, लेकिन जैसे लिमिट के ऊपर प्रेशर आया वाल ऑपरेट होगा, वाल ऑन होगा और सीधा आप देख सकते हैं नीचे की ओर एरो दिया गया है, पूरे लिक्विड को वापस टैंक के अंदर रिजर्वायर के अंदर फ्लो करवा देगा रिवर्स कंडीशन में। तो इसका सिंबल होगा ये, क्लियर है। फिर उसके बाद है प्रोपोर्शनल प्रेशर रिलीफ वाल। कौन से वाल, प्रोपोर्शनल प्रेशर रिलीफ वाल। चलिए उसमें क्या है, लाइन प्रेशर इज़ लिमिटेड टू एंड प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। लाइन प्रेशर लिमिटेड होगा और जो उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी इलेक्ट्रिसिटी को सेट करके पूरा सेंसर के थ्रू सेटअप किया होगा। ओके, जैसे ही लिमिट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑपरेट करेगा, इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा और सिस्टम को सेफ बनाने के लिक्विड को वापस बाईपास कर देगा टैंक के अंदर। तो उसका सिंबल देख लीजिए, ये रहा, ड्रॉ करना है आपको, क्लियर है। उसके बाद है आगे सीक्वेंस वाल्व। कौन से वाल्व, सीक्वेंस वाल्व। व्हेन द लाइन प्रेशर रीचेस द सेटिंग ऑफ द वाल्व, वाल्व ओपन परमिटिंग द फ्लो टू द सेकेंडरी पॉट, पायलट मस्ट बी एक्सट्रीमली ड्रेन टू टैंक। सीक्वेंस वाल्व में क्या होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे ही पहले सिस्टम के अंदर लिक्विड जा रहा है इस कंडीशन में, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिमिट के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ है तो सिस्टम सेफ ही है, लेकिन जैसे ही लाइन प्रेशर लिमिट के बाहर जाएगा, हायर वैल्यू रीच करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा वाल्व हमारा, तो सीधा क्या करेगा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसको क्लोज करेगा और नीचे जो एरो दिख रहा है उस कंडीशन में सारे सिस्टम के अंदर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूड होगा, प्रेशराइज लिक्विड होगा, प्रेशराइज गैस होगा न्यूमेटिक वाले केस में, उसको क्या करेगा, ड्रेन कर देगा रिजर्वायर के अंदर। क्लियर है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस वाल्व, सीक्वेंस में वर्क होता है इसके लिए।
उसके बाद है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, क्या करेगा, हाइड्रोलिक फ्लूड का जो भी प्रेशर है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, उसको रेगुलेट करेगा। अब जितना वाल्व ऑन, वाल्व खोलोगे बंद करोगे, तो उसकी मोशन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोलिक फ्लूड का जो प्रेशर है वो रेगुलेट होगा, जैसे हम लोग गैस में करते हैं वैसे। प्रेशर डाउनस्ट्रीम ऑफ वाल्व इज लिमिटेड टू द सेटिंग ऑफ द वाल्व। प्रेशर डाउनस्ट्रीम जो है वाल्व का, मतलब अगर आपको प्रेशर कम कर देना है, ठीक है, लिमिटेड करना है, तो उसके लिए आपको वाल्व का सेटिंग दिया होगा, वाल्व को घुमाना पड़ेगा, तो उसका सिंबल ये है, क्लियर। पहले जो डॉटेड लाइन ऊपर कनेक्ट होता था वो भी नीचे आ गया है, किसके लिए, फॉर द डाउन स्ट्रीम, प्रेशर डाउन स्ट्रीम पर्पज़ के लिए, क्लियर है। तो इसको भी ड्रॉ कर लीजिए, देखिए बेसिक डिफरेंस थोड़े थोड़े ही है, आपको याद रखने हैं। ये वाल देखिए और ये वाल देखिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन ऊपर कनेक्ट हो रहा है क्योंकि सीक्वेंस वाल्व है, और यहाँ पे वो नीचे कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में कनेक्ट हो रहा है इसके लिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जिसके अंदर होंगे अलग अलग तरीके के वाल्व फ्लो कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर पहले हम लोग बात करेंगे थ्रॉटल वाल्व के बारे में। थ्रॉटल वाल्व यानी जो प्रेशर को डेवलप करने के लिए, प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। उसमें सबसे पहला है एडजस्टेबल आउटपुट फ्लो, सिस्टम के बाहर या फिर टैंक या रिसर्वायर के बाहर जो फ्लूड फ्लो होगा आउटपुट में, सिलेंडर में, पिस्टन में, एक्टिवेटर में, एंड इफेक्टर में, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए थ्रॉटल वाल्व यूज़ होगा। सिंपल सिंबल है, एक लाइन बनाना है, क्रॉस कर देना है, चौकड़ी मार देना है और बीच में ऐसा एरो रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजस्टेबल आउटपुट फ्लो थ्रॉटल वाल्व। फिर नेक्स्ट है उसके अंदर फ्लो कंट्रोल वाल्व, उसमें अलग अलग कैटेगरी के फ्लो कंट्रोल वाल्व दिए गए हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड आउटपुट, फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड आउटपुट, ब्रैकेट में क्या दिया है, वेरिएशंस इन इनलेट प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द फ्लो। अगर इनलेट प्रेशर के अंदर कुछ वेरिएशन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से फ्लूड का जो फ्लो रेट है उसके अंदर कोई असर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड आउटपुट है, ठीक है। फ्लो चाहे कितना भी कम ज़्यादा क्यों ना हो वाल्व के अंदर, आउटपुट तो उसका, आउटपुट जो रेट है, फ्लो रेट है, वो फिक्स रहेगा। उसका सिंबल देखिए इस तरीके से है, स्क्वायर बनाना है, सॉरी रेक्टेंगल बनाना है आपको, बढ़िया सा रेक्टेंगल बना लीजिए, बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड आउटपुट एंड रिलीफ पोर्ट टू रिजर्वियर विथ रिलीफ फॉर एक्सेस फ्लो। फ्लो कंट्रोल वाल है फिक्स्ड आउटपुट के साथ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेशली रिलीफ पोर्ट दिया गया है जिसको रिजर्वियर के साथ कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको सीधा बाईपास कर सकते हैं, लिक्विड को सिस्टम में नहीं भेजना है, सीधा रिजर्वियर में भेजना है, तो यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल वाल्व से उसको बाईपास करके भेज सकते हैं, किसके लिए, वेरिएशन इन इनलेट प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द फ्लो। वापिस वही बात कर दी, जो भी वेरिएशन होगा प्रेशर के अंदर कम ज़्यादा, उससे फ्लूड का जो रेट है, फ्लो रेट, उसमें कोई असर होने वाला नहीं, क्लियर। अगर एक्सेस फ्लो हो रहा है, आपने जो फ्लो रेट सेट किया है उस फ्लो रेट से ज़्यादा रेट पे लिक्विड बाहर आ रहा है, आउटपुट हो रहा है लिक्विड का, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वाल क्या करेगा, ऑपरेट होगा और फ्लो रेट से जितना फ्लो रेट है उतना ही लिक्विड को वो आउटपुट में यानी बाहर भेजेगा, और उससे ऊपर वाला जो लिक्विड है उसको क्या करेगा,
नीचे ड्रेन करके रिसर्वियर में भेज देगा। क्लियर? देखिए सिंबल, रेक्टेंगल बनाना है, ये लाइन जा रहा है, बीच में क्रॉस करना है, यहाँ पे डॉट रखना है, यहाँ पे उसको वेरिएबली कंट्रोल करने के लिए सिंबल दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड होगा उसको ड्रेन करने के लिए नीचे ले जाना है रिसर्वियर के अंदर। तो ये है हमारा रिसर्वियर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी लिक्विड फ्लो होगा उसको स्टोर कर लेगा, और जो भी फ्लो रेट है उसको मेंटेन करके कॉन्स्टेंटली उसको सिस्टम में आगे बढ़ाएगा। क्लियर है? वापस बोला हूँ, फ्लो रेट जो आपने डिफाइन किया है, फिक्स किया है, उसके ऊपर अगर लिक्विड आएगा तभी ये वाल क्या करेगा, उसको ड्रेन करेगा और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको वो रिसर्वियर में भेज देगा, और जो आपने सेट किया है उसी फ्लो रेट को आगे वो बढ़ाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ वेरिएबल आउटपुट। फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ वेरिएबल आउटपुट मतलब फ्लो होगा फ्लूड का आपने जो रेट डिफाइन किया होगा उससे वाल्व के थ्रू, लेकिन उसमें भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है। क्लियर है? तो उसका सिंबल ये रहा, रेक्टेंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, बीच में क्रॉस करना है और ऊपर एरो रख देना है। साइड ये ऊपर आ चुका है, वापस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड ऑरिफिस। फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ फिक्स्ड ऑरिफिस नोजल जैसा होगा, तो ये इसका सिंबल। ठीक है, आगे है फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ मीटरेड फ्लो टूवर्ड्स द राइट फ्री फ्लो टू लेफ्ट। आराम से सुनिए, फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो को कंट्रोल करने वाला वाल्व है, विथ मीटरेड फ्लो मतलब आपने जो वैल्यू फिक्स किया होगा, ठीक है, उसका वो रीडिंग भी दिखाएगा मीटर के साथ, जो रीडिंग का मीटर होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है, उससे आप देख सकते हैं कि भाई कितना फ्लो हो रहा है। टूवर्ड्स राइट फ्री फ्लो टू लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, टूवर्ड्स राइट फ्री फ्लो टू लेफ्ट, इससे क्या होगा, तो कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व से आपने जो रीडिंग दिया है मीटर के अंदर, उस रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही क्या होगा, आपको डिस्प्ले करके वहाँ से लिक्विड फ्लो होगा। क्लियर है? ये रहा इसका सिंबल। ओके, थोड़े थोड़े जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े सिंबल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहे हैं, तीन चार चीज़ों को कंबाइन करके बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट ही इतना हो चुका है और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली सारे सिंबल आपको सीखने जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे तो ये सब डायग्राम पे ड्राइंग पे ही काम होने वाला है, और इतना कुछ हार भी नहीं है, ठीक है, चार पांच बार देखोगे, ये तो अभी आप एक ही बार देख रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बोर लगेगा, थोड़ा आपको कंटाला भी आएगा, थोड़ा कंटाड़ा हो से, पर प्रैक्टिस कर सो एटले इजीली याद रही जैसे। चलिए ये वाला सेकंड लास्ट, फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल फिक्स्ड आउट उट फ्लो रिगार्डलेस ऑफ लोड। देखिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा दिया है, लेकिन उसको थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए, जैसे कि फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ प्रेशर कॉम्पनसेटेड, ठीक है, प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए, अगर यानी कि अगर आपने जो प्रेशर लिमिट डिफाइन किया है उससे कम प्रेशर सिस्टम में अगर डेवलप हो रहा है, तो ये वाल्व क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर देगा, ठीक है, और वो लिमिट पे वापस डेवलप कर देगा प्रेशर को, तो उसका सिंबल है वाल्व का। क्लियर? लाइन बनानी है, चौकड़ी मार देनी है, वेरिएबल के लिए यहाँ पे एरो रख देना है, वापस एक बार लाइन बनानी है, चौकड़ी बनानी है, वेरिएबल के लिए एरो दिखाना है, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऊपर की ओर एरो रखना है, ठीक है, कॉम्पनसेट करने के लिए, प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। चलिए लास्ट देख लेते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड। वही ऊपर वाला वाल्व, लाइन, चौकड़ी, वेरिएबल के लिए
एरो, ठीक है, प्रेशर के लिए ऊपर वाली लाइन, टेम्परेचर कॉम्पनसेट के लिए नीचे वाली लाइन। तो ऊपर से हमने यहाँ पे प्रेशर को कॉम्पनसेट किया था और नीचे वाले सिंबल के अंदर हमने वाल के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कॉम्पनसेट किया। कॉम्पनसेट का मतलब क्या होता है, आपने जो लिमिट डिटरमाइन की है, फिक्स की है, उसको ये कॉम्पनसेट करेगा। अगर ज़्यादा होगा प्रेशर टेम्परेचर तो वो कम कर देगा, प्रेशर टेम्परेचर कम होगा तो ये इसको बढ़ा देगा, लेकिन सिस्टम में जो है फिक्स उसको वो फिक्स करके आगे बढ़ाएगा, तभी हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम काम कर पाएगा। समझे, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। अब सडनली कहीं पे प्रेशर ड्रॉप हो गया, कहीं पे सडनली प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम में तो भाई फिक्स डिज़ाइन किया है कि इतने प्रेशर पे लिक्विड आएगा तभी वो काम करेगा। क्लियर है, वो प्रेशर का वैल्यू फिक्स रहना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो सिस्टम काम नहीं करेगा, ज़्यादा हो रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फेलियर के रिस्क आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये सब वाल क्या करते हैं, उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। हमको पता भी नहीं चलेगा, हमने डिज़ाइन ऐसा किया है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्लियर, तो टेंशन नहीं लेना है, हमारा काम है सिस्टम को डिज़ाइन करना। डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये सारे सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, बाकी के जो सिंबल है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारे सिंबल है और ढेर सारे सिंबल है तो उसको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला चैप्टर इसी पे ही काम करने वाला है। इसी सिंबल को यूज़ करके हम लोग बाकी की सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।